प्रोटेस्ट है मेतेई कम्युनिटी ने किया है, तो ये किस तरीके से सर, जो हमने विजुअल्स देखे जो मणिपुर से आए, और थोड़ा सा हमारे दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस से किस तरीके से ये हेल्पफुल रहेगा मणिपुर के लिए और मणिपुर के लोगों के लिए? ये तो भारत सरकार को देखना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या है सू का, है ना, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, तो भारत सरकार सोचेंगे। लेकिन मणिपुरी लोग जो बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मणिपुर में लगातार फिर से एक बार हिंसा और भी ज़्यादा भड़कती हुई नज़र आ रही है। दरअसल इस समय बड़ी खबर जो है दर्शकों वो ये है कि कुकी समुदाय के लोगों ने फिर से एक बार दो नेशनल हाईवेज़ को बंद कर दिया है। और दरअसल ये दो नेशनल हाईवेज़ को बंद करने के बाद माना जा रहा है कि ये हिंसा और भी ज़्यादा गंभीर रूप जो अख्तियार कर सकती है। और दरअसल नेशनल हाईवेज़ के बंद किए जाने के बाद वहाँ पर महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है, और इसके बाद अब एक बार ये माना जा रहा है कि मैथी समुदाय के द्वारा भी इसका रिबेटल किया जा सकता है, इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सरकार इस पर फैसला क्या लेती है। सबसे पहले तो दर्शकों, आपको हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को देखनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मामला जो आपको स्पष्ट ढंग से समझ में आए। सर, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आज का प्रोटेस्ट है मेतेई कम्युनिटी ने किया है, तो ये किस तरीके से सर, जो हमने विजुअल्स देखे जो मणिपुर से आए, और थोड़ा सा हमारे दर्शक ये भी समझना चाहते हैं कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस से किस तरीके से ये हेल्पफुल रहेगा मणिपुर के लिए और मणिपुर के लोगों के लिए? ये तो भारत सरकार को देखना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या है सू का, है ना, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, तो भारत सरकार सोचेंगे। लेकिन मणिपुरी लोग जो बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है वो लोग भी इन्वॉल्व है, ये बोल रही है, ये सही है या गलत है, ये भारत सरकार को उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि उसका ग्राउंड रूल है वो भी उल्लंघन किया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखना चाहिए कि क्या फ़ायदा है, ये जो भी एलिगेशन आए वो सही है या गलत है, तो भारत सरकार को उसको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, एक क्वेश्चन मैं ये लेना चाहूँगा कि कई सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो मेतेई और नागा कम्युनिटी को अगर हम देखें तो ट्रेडिशन वाइज एक साथ चले हैं, लेकिन कुकी जो समुदाय को लेके मेतेई और कुकी जो कन्फ्लिक्ट है, इसमें जो सर कुकी पहले से आए हैं उनको लेकर वो स्थिर हैं, या जो माइग्रेंट कुकीज़ है जो म्यांमार से आए हैं वो इस तरह के सारे जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं उन वजहों से क्रिएट हो रहे हैं, या कोई और इशू है? जो भी हो, आप 100 साल पहले आया हो या 2 साल पहले आए हो, मेरे लिए वो सिटीजन्स है। मैं फ़र्क करना चाहूँगा कि सिटीजन कौन है, सिटीजन कौन नहीं है, इसमें मायने कुछ नहीं रखते मेरे लिए कि वो 100 साल पहले आए कब 200 साल पहले आए। हमको देखना है कि जो भी अभी जो हम लोग जो एक ईयर जो है ना, तो 1961 के मुताबिक करना चाहिए 51 के, या इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की बात जो बाद में आया है उसको किस तरह से देखना चाहिए, उसको सिटीजन की तरह देखना है नहीं देखना है, ये मामला है, ये तो देखना पड़ेगा। नहीं तो आप इसी हिसाब से पूरा खोल के नहीं रख सकता है ना घर, सारे के सारे बंगाली बांग्लादेश में भी है, पंजाबी पाकिस्तान में भी है, तमिल इसमें श्रीलंका भी में सब, आप लोगों को तो आने नहीं देगा ना इधर, तो उसमें फ़र्क करना चाहिए कि सिटीज़न कौन है, सिटीज़न कौन नहीं है। जो लोग सिटीजन बन के बैठे हुए हैं तो उसको भी देखना चाहिए कि कैसे उसको सिटीजनशिप मिला हुआ है, ख़ासतौर पर जो इंडिपेंडेंस के बाद या 50s के बाद या 60s के बाद जो आया है उसको देखना चाहिए, उसको कारपेट के अंदर पुश करके रखना नहीं चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो सिटीजन कैसे बना कैसे नहीं बना, इसके साथ क्या करना चाहिए। उसके ऊपर जो रिसेंट टाइम्स, मतलब जो अभी जो म्यांमार में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसकी वजह से जो अंदर आ चुका है अंदर, या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसी बोल रहा है कि सरकार का जो वकील है, कल उसने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है,
तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो होगा उसके पास, वो लेके जो भी बॉडी है वो तो बाहर से आए हुए बोला ना, या सही या गलत है उसका इन्फॉर्मेशन तो हमारा पास तो नहीं है, लेकिन सरकार का वकील बोल रहा है कि मतलब कुछ तो होगा उसका बेसिस। तो ये प्रॉब्लम अलग होना चाहिए, ये अलग इशू है, सिटीजनशिप का अलग इशू है, ये ध्यान में रखना चाहिए जो भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बाहर के लोग इन्वॉल्व है या नहीं। सर वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन सर, कि आपको पार्लियामेंट से क्या उम्मीद है, जिस तरीके की डेडलॉक सिचुएशन अपोजिशन और पोजीशन में बनी हुई है, पीएम मोदी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने कई महीने बाद जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो उन्होंने बोला 30 सेकंड के लिए, आपको सत्ता पक्ष से यानी जो पार्टी अभी पावर में है उससे और अपोजिशन दोनों से किस तरह की उम्मीद है, या पीएम मोदी से और एन बीरेन सिंह आपके जो सिटिंग सीएम है उनसे उनके काम में कोई कमी रह गई या मैनेजमेंट में कोई किसी तरह का इशू है? मेरे हिसाब से यू नो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए उधर मणिपुर में, और जो हिंसा जो है रुकने का जो भी इंतज़ाम कर सकता है वो करना चाहिए, पहले हिंसा रुकना चाहिए और जो भी हुआ है उसका छानबीन करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ठीक से करना चाहिए, और बातचीत करने के लिए कम से कम जो बीजेपी का विधायक लोग जो है ना एमएलए लोग उसको बुला के उसके सामने बातचीत तो करें पहले, उसके बाद सोचेंगे। ऑपोजिशन भी ना सरकार के साथ जो एक पॉलिटिक्स के हिसाब से मत देखिए उसको, मणिपुर का जो हालत है उसमें एक नॉन पार्टीजन पोजीशन लेके सरकार और जो विपक्ष में है दोनों में बातचीत करके इसको कैसे सॉल्व कर सकता है इसकी नज़रिया से देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए वन अपमैनशिप, जो भी ओपोजिशन है इसके लिए क्रिटिसाइज़ कर रहा है और ओपोजिशन है इसके लिए हम चुनेगा नहीं, इस नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट को एक साथ जोड़ के एक पार्लियामेंट्री का भी एक कमीशन इंक्वायरी भी कर सकता है, ये सब क्यों हो रहा, कैसे शांत के लिए क्या कर सकता है, ये जो ना पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राहुल गांधी की लास्ट विजिट कैसे देखते हैं, उससे कुछ सुधार हुआ है या कोई फ़र्क पड़ा है राहुल गांधी की? वो आए हुए हैं तो लोगों से बातचीत किया, उसने बात तो किया, लेकिन ये सरकार की तरफ से भी आना चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के बीच से मेरे ख्याल में नहीं होगा ना, आना चाहिए सभी। तो वो आया ठीक है, कोई तो आया सुनने के लिए, अभी तक तो आया नहीं कोई, तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है तो आ चुका है ना, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी जाना चाहिए उधर मेरे हिसाब से, वो जाएगा बातचीत करेगा जो एमएलए वगैरह ठीक करके जो एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, वैसा चुपचाप रहने से काम नहीं चलेगा ना। थैंक यू वेरी मच आपने बात कर। तो आपने देखा लगातार लोग यही कह रहे हैं और जो स्थिति है उस पर यही कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण खो चुकी है, वहाँ पर लगातार ये घटनाएं जो है बढ़ती ही चली जा रही है और उस पर किसी तरीके से रोकथाम जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। खास रिपोर्ट हो सकता है, जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।